फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 15, आवर एनवायरनमेंट। ओके, इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कस्ड अबाउट द फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। कहने का मतलब है, देखिए, एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी हार्मफुल केमिकल कंपोनेंट्स की, फॉर एग्जांपल, हमें पता है फील्ड में रेगुलरली हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, और ये फर्टिलाइजर्स कुछ अमाउंट में इनको प्लांट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, जब वो प्लांट्स को हम हार्वेस्ट करने के बाद थ्रेसिंग करते हैं, उसी वीट को हम आटे में चेंज करके उसकी चपाती खाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक प्लांट 0.0001 ppm, ppm क्या है, एक यूनिट होती है, ठीक है, जिसका केमिकल्स को मेजर करते हैं। तो मान लीजिए 0.0001 ppm एब्जॉर्ब करती है एक प्लांट, तो देखिए बहुत सारे प्लांट और उनके कितने सारे सीड रेगुलरली हम वो ईटिंग करते हैं, तो उसका परसेंटेज इंक्रीज होके हमारी बॉडी में आ जाता है। तो इसी तरह से जो भी किसी भी फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ग्रासेस पे आपने कोई भी स्प्रेइंग कर दिया किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, और कुछ परसेंट ग्रासेस के अंदर चला गया। अब रैट जो है, ऐसा तो है नहीं ग्रास का एक तिनका ही खाएगा, वो बहुत सारी ग्रास खाएगा, तो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो रैट में जाएगा, क्लियर है। रैट में जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज होगी। अब रैट को कौन ईट करता है, स्नेक, जरूरी नहीं वो एक ही रैट खाए। मान लीजिए स्नेक ने बहुत सारे रैट खाए और उन सब रैट में उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, तो स्नेक में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर उसी स्नेक को या बहुत सारे स्नेक को हॉग खाता है, ठीक है, तो उसमें केमिकल की कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, क्लियर है। और इस तरह से जो केमिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, चाहे वो हम एक्वेटिक फूड चेन में देखें चाहे टेरेस्ट्रियल फूड चेन में, क्लियर है, वो क्या होते हैं, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अंडरस्टैंड। सेकेंड टॉपिक है फूड वेब। देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, इट इज ए लीनियर सीरीज और लीनियर सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। वेब क्या होती है, वेब मीन्स होता है नेट। ओके, आपने देखा होगा स्पाइडर वेब बनाता है, तो वेब मीन्स होता है नेटवर्क। सो इन नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल सी फूड चेन की। पहले फूड चेन आप यहाँ पे देखिए, प्लांट्स हैं, ओके, चाहे एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ओके, एक्वाटिक फूड चेन की बात कर रहे हैं, प्लांट्स हैं, दे आर ईटिंग बाय द क्रैब। ओके, क्रैब ईट करता है, इसको ईट करता है स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस को कौन खाता है, क्रेन। क्रेन को कौन खाता है, टाइगर, राइट और नॉट। दिस इज द फर्स्ट फूड चेन। ओके, दूसरा देखिए, यहाँ पे प्लांट्स हैं, दीज आर ईटन बाय द फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, और फ्रॉग को कौन खा सकता है, क्रेन भी खा सकता है, इधर क्लियर। क्रेन को वापस टाइगर, अब स्नेक को कौन खाएगा, पिकॉक। पिकॉक को कौन खाएगा, टाइगर, क्लियर है। ओके, तो देखिए ये एक दूसरी फूड चेन है, लेकिन हमने देखा कि जो सेकेंड फूड चेन है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, ओके, फर्स्ट वाली फूड चेन से। अब थर्ड फूड चेन देखिए, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे एक प्लांट है, दैट इज ईटन बाय द रैट। रैट को कौन खाएगा, स्नेक। ओके, यानी ये भी जो हम थर्ड वाली फूड चेन ले रहे हैं, भाई फूड चेन हमारे पास ये है कि प्लांट ईटन बाय द रैट, रैट ईटन बाय द फॉक्स। ओके, तो ये भी इंटरकनेक्टेड है कि रैट तो स्नेक भी खा सकता है और रैट तो फॉक्स भी खा सकती है, फॉक्स तो टाइगर खाएगा, क्लियर है। फोर्थ जो फूड चेन है हमारे पास, दैट प्लांट आर ईटन बाय द रैबिट एंड रैबिट ईटन बाय द फॉक्स। ओके, या रैबिट आप कह सकते हो कि रैबिट को कौन खा सकता है, टाइगर भी खा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी ये इंटरकनेक्टेड है विद द फॉक्स। ओके, एक और फूड चेन हम देखें तो इसमें प्लांट को ईटन करता है डियर, डियर को ईट करता है टाइगर, अंडरस्टैंड। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई डियर को फॉक्स खा ले, राइट और नॉट, या बीच में कोई और एनिमल आ जाए। तो इस तरह से देखिए, ये जो फूड चेन्स हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, ओके, एक दूसरे से कनेक्ट होकर इन्होंने एक नेटवर्क बना लिया, और जो ये नेटवर्क है, यानी दे हैविंग द ऑप्शंस, जो नेटवर्क है दैट इज नोन एज द फूड वेब, क्लियर है, दैट इज नोन एज द फूड वेब। बट देखिए हो क्या है, डे बाई डे ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, ड्यू टू द मैन मेड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन,
नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उस नुकसान की वजह से होगा क्या, एट लॉस्ट उसका जो लॉस है वो हमें ही अफेक्ट करेगा। क्लियर है? तो देखिए यही था इसमें, और उस लॉस ने कहाँ इफेक्ट किया, ओजोन डिप्लीशन में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस वीडियो के दो टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। हैव ए गुड डे। बाय बेटा।